भारत में एक स्कूल की शिक्षिका जिसकी आदत थी वहाँ हर दिन क्लास शुरू होने से पहले वहाँ मौजूद सभी बच्चों से कहती थी, मैं आप सभी से प्यार करती हूँ। लेकिन वो जानती थी कि वो सच नहीं कह रही है। राजू के नाम पर कक्षा में एक लड़का जिसको वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। राजू के बाल थे धूल भरे, जिसका मन कक्षा में भी नहीं होता था। पढ़ाई के समय वो बहुत बेखबर रहता है। मैडम की फटकार से वो चौंक कर उसे देखता रहता है। हालांकि राजू कक्षा में शारीरिक रूप से उपस्थित था, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। राजू की ओर धीरे धीरे मैडम के मन में घृणा होने लगी। मैडम की कक्षा में प्रवेश करते ही राजू उसकी आलोचना का शिकार हो जाता। सभी प्रकार के बुरे कर्म की मिसाल राजू के नाम से ही चलती थी। बच्चे उसे देखकर और हंसते थे। ये देखकर मैडम को भी उसका अपमान करके खुशी हुई। हालांकि राजू इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता था। राजू बस देखता रहता था, जिसमें भावना जैसी कोई बात ही नहीं थी। परीक्षा खत्म होने के बाद जब रिजल्ट कार्ड निकला, तो मैडम ने रिजल्ट कार्ड पर राजू के माता पिता को दिखाने से पहले उसके बारे में सारी गलतियां लिख दी। हेडमास्टर को रिजल्ट कार्ड भेजा और उसने राजू का परिणाम देखा और मैडम को बुलाकर कहा, मैडम रिजल्ट कार्ड पर ऐसी बात लिखनी चाहिए जिससे प्रेरणा मिले। आपने जो लिखा है उसे देखकर राजू के पिता निराश होंगे। मैडम ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन राजू बहुत ही बदमाश और नालायक स्टूडेंट है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बारे में कुछ अच्छा भी लिख सकती हूँ। बोलते बोलते वो वहां से उठ गई। प्रधान अध्यापक ने एक अजीब काम किया। उसने राजू के पिछले साल के सभी परिणाम कार्ड मैडम की टेबल पर दूसरे कागजों के साथ रख दिए। अगले दिन जब मैडम स्कूल आई तो उसने रिजल्ट कार्ड देखा, तो देखा कि ये राजू का रिजल्ट कार्ड है। उन्हें लगा कि उसने पिछले साल इतना ही बुरा परिणाम दिया होगा। जैसे ही वो सोचती है, उसने तीसरी क्लास का रिजल्ट कार्ड खोला। रिजल्ट कार्ड के कमेंट पढ़कर हैरान रह गई। वहां लिखा था, राजू जैसा बुद्धिमान बालक मैंने आज तक नहीं देखा। वो बहुत संवेदनशील बच्चा है और उनके सहपाठियों और शिक्षकों को सम्मान और सहयोग करता है। आखिरी सेमेस्टर में भी राजू ने जीता पहला स्थान। मैडम ने बेचैनी से चौथी क्लास का रिजल्ट कार्ड खोला। उसमें लिखा है, राजू की माँ बीमार है, इसलिए वो पढ़ाई करने से हिचकिचाता है। वो बेपरवाह हो रहा है। इसके बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई और इसके बाद राजू के जीवन की सारी आशाएं और एक सुंदर भविष्य की रोशनी सब चली गई। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उसे बचाया जाना चाहिए। मैडम का सिर भारी बोझ के नीचे दब रहा था और उसने कांपते होठों से रिजल्ट कार्ड बंद कर दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगले दिन जैसे ही उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया, उन्होंने अपने स्वभाव के अभ्यस्त शब्दों को दोहराया, आई लव यू ऑल। लेकिन वो जानता था कि वो अभी भी झूठ बोल रही है, क्योंकि सर पर गंदे बाल लिए इस क्लास में बैठा बच्चा राजू के लिए वो जो प्यार महसूस किया, ये कक्षा के अन्य बच्चों के लिए संभव नहीं था। पढ़ते समय मैडम ने राजू की ओर एक सवाल किया। उसने हर दिन की तरह अपना सर नीचे किया। जब कुछ देर तक मैडम की धमकियां या उसके सहपाठियों की हंसी नहीं सुनी, तो उसने अचानक अपना सिर उठा लिया और मैडम की तरफ देखा। आज मैडम के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। उसने राजू को बुलाकर सवाल का जवाब बताया। 3-4 प्रयासों के बाद राजू ने अंत में जवाब दे दिया। जैसे ही उसने जवाब दिया, मैडम खुश हो गई और न केवल खुद की बल्कि अन्य सभी बच्चों के साथ भी ताली बजवाई। फिर ये रोज की बात हो गई। मैडम खुद से ही सारे जवाब देती, फिर प्यार से राजू के लिए तालियां बजवाती। राजू को सभी अच्छे कामों के उदाहरण के रूप में वर्णित किया गया। धीरे धीरे राजू अपने डिप्रेशन से बाहर आ गया। अब से मैडम को सवाल का जवाब नहीं देना पड़ता। वो अपने सही उत्तरों से सभी को प्रभावित करता था और नए नए सवाल पूछकर उन्हें परेशान करता था। अब वो अपने बालों को भी साफ सफाई करके रखता था। कपड़े काफी साफ हैं। शायद वो खुद धोने लगा था। साल बीतता गया। राजू दूसरे नंबर पर आ गया। कक्षा उत्तीर्ण की। मैडम की विदाई के समय सभी बच्चे उसके लिए बहुत अच्छे उपहार लाए और एक के बाद एक पहाड़ बनकर मैडम की टेबल पर ढेर हो गए।
इतनी खूबसूरती से पैक किया गया उपहारों के बीच पुराने कागज पर गंदे तरीके से लपेटा हुआ एक तोहफा था। इसे देखकर बच्चे हंस पड़े। किसी को पता ही नहीं चला कि राजू इसे तोहफे के रूप में लाया था। मैडम उपहार को बाहर लाई, खोला तो उसके अंदर महिलाओं के परफ्यूम की आधी बोतल देखी और पहनने के लिए एक बड़ा सा कंगन। मैडम ने बोतल से अपने ऊपर परफ्यूम छिड़का और बाद में कंगन पहन लिया। ये नजारा देखकर बच्चे काफी हैरान हुए। राजू अपने आप में अंत में स्थिर न रह पाकर सामने आया और उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उसने मैडम से कहा, आज मेरी माँ की खुशबू आपके शरीर से निकल रही है। ऐसा लग रहा था कि समय उड़ रहा है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे। कुछ साल बाद मैडम भी रिटायर हो गई। एक दिन उन्हें अपने मेल बॉक्स में राजू का एक मेल मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है। आपके बिना शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। एक और बात, मैं अपने जीवन में बहुत से लोगों से मिला हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर राजू। राजू ने उन्हें लिफाफे में हवाई जहाज पर जाने का एक टिकट भी भेजा। मैडम खुद को किसी भी तरह जाने के लिए बेताब हो गई। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वो दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब शादी हॉल में उपस्थित हुई तब थोड़ी देर हो गई थी। उन्होंने सोचा कि शायद शादी समारोह खत्म हो गया है, लेकिन वो इसे देखकर हैरान हो गई। उन्हें पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा था इसकी कोई सीमा नहीं थी। शहर के सभी बड़े डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि सभी शादीशुदा आदमी और पंडित भी इतना थक गए थे कि किसी के आने में अभी भी राजू वेट कर रहा है। लेकिन राजू मैडम के आने का इंतजार कर रहा था। अंदर घुसते ही राजू उन पर झपटा और उनके हाथों को पकड़ लिया जिसमें अभी भी वो कंगन पहने हुए थी। उन्हें सम्मान पूर्वक मंच पर लाया गया। राजू ने माइक को हाथ में लिया और कुछ इस तरह कहा, दोस्तों आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछते थे और मैंने आप सभी से वादा किया था कि बहुत जल्द सभी को मैं उसका परिचय दूंगा। ये है मेरी माँ। वर्तमान में ऐसी कई शिक्षक हैं जो छात्रों के मोटिवेशन को बर्बाद करती हैं। कक्षा में कमजोर छात्र को तुच्छ समझना उसका मनोबल छोटा कर देता है। सच्चा शिक्षक वही है जो ऐसा कभी नहीं करता। शिक्षक अकेले ही छात्र के मन में सच्चाई प्रकाश डाल सकता है, ऐसा प्रकाश जिसको नमन किया जाता है। और ऐसे शिक्षकों की तलाश अभी भी की जा रही है और हमेशा की जाती रहेगी।